एक यूनिट रक्तदान से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए हमें रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ये बात जिला रक्त कोष की इंचार्ज डॉक्टर मोनिका सांगवान ने रक्तदाता को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ करते हुए कही। शनिवार को जिला नागरिक अस्पताल के रक्त कोष में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के तत्वावधान में सावरिया इंटरप्राइजेस के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 31 युवाओं ने रक्तदान किया। इसलिए लगा है क्योंकि डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोगों की ब्लड की जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा संगठन और सारी सावरिया इंटरप्राइजेज आपस में सहयोग करके ना और ये कैंप लगाया गया है ताकि लोगों की मदद हो सके और कोई बिना ब्लड के कोई हानि ना हो सके। डेंगू का प्रकोप अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि दिसंबर पहले ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब की बार ज़्यादा लंबा चल रहा है, इसलिए हम लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि लोगों की मदद करने के ब्लड डोनेट करें ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनका भविष्य सुरक्षित रखा जा सके। संगठन के द्वारा जो सामाजिक कार्य हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेके, जो बच्चों के स्कूलों में सुरक्षा है, हॉस्पिटलों की सुरक्षा है, या गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले हैं, इस प्रकार के हमारा संगठन टाइम टू टाइम ये कार्य करता रहता है ताकि गरीब बच्चा भी प्राइवेट स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ सके और वो अपना गुजर अच्छी तरह कोई सर्विस में नौकरी में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई जब तक नहीं होगी तो लोग बेरोजगार रहेंगे और पढ़ाई होगी तो लोग कुछ न कुछ अपना काम धंधा करके गुजारा कर सकते हैं। आपको जानकारी है कि डेंगू चल रहा है, अभी प्लेटलेट्स की परसों भी आपको पता है रात को 10 बजे जरूरत पड़ी थी और 11 बजे गांव से रक्तदाताओं ने आके उसकी पूर्ति की थी। तो मेरी शहर के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं व स्वयंसेवकों से प्रार्थना है कि इस समय डेंगू अभी भी चरम पर है तो इसलिए रक्तदान केंद्र में आकर सुबह 9 से 1 बजे तक रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। और मैं वर्षपाल तंवर जी व उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहली बार कैंप लगाकर रक्तदाताओं को बुलाकर रक्त की पूर्ति करने का सहयोग दिया। आज अभी तक 12 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और आप देख रहे हैं 5-7 रक्तदाता भी लाइन में है और अन्य रक्तदाताओं का नाम जारी है। मेरी आम लोगों से अपील है कि जैसे ही मैं रक्तदान की सूचना डालता हूं तो आप रक्तदान आकर करें। और आपने देखा होगा परसों रात को जब जरूरत पड़ी तो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई थी, उस सूचना मिलते ही रक्तदाता वापोड़ा अलवास और खरक से आकर रक्तदान करके जान बचाई थी, शहर से रक्तदाता नहीं आए थे। तो इसलिए मेरी शहर के रक्तदाताओं से प्रार्थना है कि कैजुअल्टी पर आकर शहर के रक्तदाता ही रक्तदान करें, गाँव के रक्तदाताओं को आना ना पड़े। संस्थाओं से तो ये अपील करूंगा कि आप लोग आएं और रक्तदान करें और करवाएं और रक्त की पूर्ति में अपना सहयोग दें।